हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन एंड इट्स एवोल्यूशन। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगी, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इट इज़ अ सिस्टमैटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। एंड डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे कि वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आज काम किया, 10 दिन काम बंद कर दिया, फिर काम स्टार्ट करें। नहीं, देयर इज अ प्रॉपर डेडलाइन, डेडलाइन के बीच में हमें काम करना है, डिसिप्लिन वे से हमें काम करना है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जिस टेक्निक को आप यूज कर रहे हो, कॉस्ट उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसा नहीं कि आप ओवर दी बजट काम कर रहे हो, नहीं, आपको अंडर दी बजट जो है वो काम कर रहा है। एज वेल एज आप इसमें एक और कंस्ट्रेंट जोड़ सकते हो, टाइम, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि विद इन द टाइम ही आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हाउ टू कोड, मतलब कोडिंग कैसे करनी है। नो, इट इज अ होल अप्रोच। मतलब एक सिंपल सी मैं आपको भाषा में बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्चुअल में ये क्या बात कर रहे हैं, ये कोडिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये सिर्फ बात कर रहे हैं पूरी अप्रोच की, वो अप्रोच जो आप फॉलो कर रहे हो, स्टेप वन जो कि आपका आइडिया, स्टेप टू रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद आपने उसको इंप्लीमेंटेशन किया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंटेशन किया, फिर आपने उसके बाद उसको टेस्टिंग किया, मेंटेनेंस है, प्रोडक्ट डिलीवरी, सारे जो स्टेप्स आ रहे हैं, इन सारे स्टेप्स को कंबाइन करके आप उसको बना रहे हो एक अप्रोच। दैट अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच। सो दैट्स वाई द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहां पे इंजीनियरिंग अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर जो काम कर रहे हैं दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच। नहीं, इंजीनियरिंग अप्रोच का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से आप कोई काम कर रहे हो, बिल्कुल पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आप एक एक करके अपने गोल को अचीव कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच। तो देखो, जहां तक मैं एक अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल इसको समझाऊं तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड। देखो, ब्रांडेड की अगर हम बात करें, ब्रांडेड जो लाइक कंपनीज है, कंपनी एक बहुत प्रॉपर वे से अपना काम करती हैं। जैसे लाइक मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहां पे ना मॉडिफाइड जीप्स बहुत मिलती हैं। अब मॉडिफाइड जीप जो मैकेनिक्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी जीपों के इंजन वगैरह निकाल के उनमें चौड़े टायर डाल के अच्छी सी बॉडी बना के और उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में ले आते हैं। अब मार्केट में ले आए, ना तो उसकी कोई टेस्टिंग हुई। अब लेट्स सपोज मैंने, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास ब्रांडेड है लाइक महिंद्रा की थार है, जीप कंपनी है, टोयोटा की एसयूवीज है, बहुत सारी आपको इस तरीके की गाड़ियां मिलेंगी। और पहली बात, मैं यहां पे कोई स्किल की बात नहीं कर रहा, कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा कि एक तरफ मैकेनिक और एक तरफ इंजीनियर है, मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूं। इन लोगों की अप्रोच क्या है, जो नॉन ब्रांडेड चीजें, इनकी अप्रोच क्या है कि ठीक है, बिल्ड एंड डिलीवर वाला मेथड है कि मतलब बनाई चीज और डिलीवर कर दी। अब उसके बाद चाहे वो 2 किलोमीटर चले, चाहे 200 किलोमीटर चले, हो सकता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि ठीक है, लोकली थोड़ा बहुत चला ली उस जीप को, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए, खत्म है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रांडेड की, तो ब्रांडेड में उन्होंने सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, इवन प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद। देखो, अगर आपकी गाड़ी को 5 साल हो गए आज, स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि आप जाते हो शोरूम पे, जाके आप उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज अभी भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके चार्जेस लेंगे, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस की सर्विसेज अभी भी प्रोवाइड हो रही हैं। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द अप्रोच। आइडिया से लेके मेंटेनेंस तक, मेंटेनेंस से लेके रेगुलरली अपडेशन तक, ये सारे स्टेप्स को हम एक्चुअल में बोल रहे हैं इंजीनियरिंग अप्रोच। तो दैट इज ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्या इसमें डेवलपमेंट करनी है, क्या कोडिंग करनी है, वो तो एक फेज है यार, एक फेज है कि ठीक है मेरे को ये काम करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द स्टेप 1 to last step, आप कैसे फॉलो कर रहे हो, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके इवोल्यूशन की, तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई आज की टर्म है या 10 साल पहले, 20 साल पहले की टर्म है।
The term software engineering comes under the 1945 to 65 के time पे आप कह सकते हो origin इसका हुआ है. Origin तभी होगा जब software development start होगी. तो देखो World War II के time पे जो है वो काफी development जो है इससे related start होगी थी. Even NASA है काफी जो organization है but बड़े level पे जो organizations थी IBM company थी उन्होंने अपने level पे जो है वो start कर दिया था इसके ऊपर काम करना. लेकिन engineering की अभी कोई बात नहीं कर रही थी. Simple software development के ऊपर काम चल रहा था. And all are following the build and deliver kind of method जिसको हम build and fix method भी बोलते हैं कि ठीक है बनाई चीज और market में दे दी. अब उसके बाद हो सकता है कि problem आए और problem आएगी क्योंकि आपने पूरे steps को follow नहीं किया. आपने बस एक बार काम चलाऊ चीज दे दी. अब काम चलाऊ चीज obviously problem create करेगी. हो सकता है starting में आपका काम हो जाए लेकिन long term के लिए वो effective नहीं रहेगी. So that is the origin of the software engineering. और स्टार्टिंग में जो लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो या बहुत आप कह सकते हो कि फेमस नाटो की कॉन्फ्रेंसेस थी जहां पे एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहली बार नाम लिया गया था. उसके बाद अगर हम बात करें 65 टू 85 ये जो दौर था ना ये जो टाइम था इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस. क्राइसिस एक्चुअल में क्यों बोल रहे हैं वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ये आप कह सकते हो कि एक तो मैं पूरी अप्रोच फॉलो कर रहा हूं लेकिन उस टाइम पे कोई अप्रोच नहीं थी. दे आर सिंपली फॉलोइंग द बिल्ड एंड डिलीवर काइंड ऑफ मेथड कि ठीक है मेरे पास कोई काम आया मैंने उसको फटाफट रैप अप करने की कोशिश की और मार्केट में डिलीवर कर दिया अपने क्लाइंट को दे दिया. अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी. प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो क्राइसिस का टाइम था कि जो आपके सॉफ्टवेयर उस टाइम पे बने उन सॉफ्टवेयर में से सिर्फ 2% सॉफ्टवेयर ही क्या हुए एक्चुअल में यूज हुए. मतलब अगर उस टाइम पे 100 सॉफ्टवेयर बने ना तो उनमें से 2 ही प्रॉपर यूज हुए और अप्रोक्सीमेट 47-50% तो आपके डिलीवर ही नहीं हुए. मतलब काम ही नहीं आए. और आप कह सकते हो कि रेस्ट ऑफ देम आर व्हाट दे आर सिंपली स्क्रैप्ड. स्क्रैप्ड का मतलब ऑब्वियसली खत्म हो गया. मतलब या तो उसका जो बजट था जो कॉस्ट थी वो ओवररन होगी. मतलब आपके पास बजट था उसका लेट्स सपोज 1 बिलियन और आपने जो है 1 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर दी लेकिन सारा सॉफ्टवेयर आपका अभी बना ही नहीं. या फिर टाइम कंस्ट्रेंट जो टाइम विद इन द टाइम आपको बनाना था आपने वो टाइम ही सारा क्या कर दिया कंज्यूम कर दिया ओवर टाइम हो गया. तो ये जो थे काफी कंस्ट्रेंट थे. कॉम्प्लेक्सिटी थी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सिर्फ 2% जो सॉफ्टवेयर से वही एक्चुअल में यूज हुए. और इसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ओएस 360. ये आईबीएम का प्रोडक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम 360 दे ट्राई टू डेवलप. एंड जो बंदा इस पूरी टीम को हेड कर रहा था उसकी खुद की अपनी बुक में उसने लिखा है कि इट इज अ मल्टी मिलियनेयर फेलियर प्रोजेक्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका पहले कोई डिजाइन ही नहीं तैयार किया कोई कोहेरेंट डिजाइन नहीं तैयार किया. डायरेक्टली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कोडिंग पार्ट तैयार किया इंप्लीमेंट किया और मार्केट में लेके आए एंड दैट वॉज टोटली अ फेलियर. तो ये फेलियर जो है ये एक्चुअल में अप्रोच को प्रॉपरली यूज ना करने की वजह से है. और देखो मैं बार बार अप्रोच की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक अगर आप अप्रोच फॉलो करोगे तो डेफिनेटली देयर इज अ 100% गारंटी कि यार आप सक्सेसफुल ही होगे. नहीं बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मोर दैट इज द मेन पॉइंट. लेकिन अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज एक्चुअली मोर. तो देखो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके बाद क्राइसिस जो है इसके बाद बंद हो गया या कम हो गया. नहीं उसके बाद भी काफी चलता रहा. लाइक इसमें काफी पॉपुलर है एक टॉरस प्रोजेक्ट वो भी काफी पॉपुलर है. 10-12 साल उस पर काम हुआ. इवन कितने ही उस पर जो है यूके पाउंड जो है उस पर काफी खर्च हुए लेकिन स्टिल वो एंड पे क्या बना उसको स्क्रैप में डाल दिया. यूएस के भी काफी प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने ऑटोनोमस सिस्टम बनाने की कोशिश की थी उस पर भी 10-12 साल काम किया लेकिन बजट जो है उसका ओवररन हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया वो भी स्क्रैप में डाल दिया. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टाइम पे उसके बाद भी हुए लेकिन इस टाइम पे तो आप कह सकते हो कि 100 में से सिर्फ 2 ही यूज हुए रेस्ट आप कह सकते हो कि फेल ही हो गए. तो ऑब्वियसली दैट इज एक्चुअली नोन एज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस फेज. उसके बाद जो है टाइम आया इंटरनेट का 1990 के बाद जो है वो टाइम आया इंटरनेट का. और इस टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर शेयर लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ द अभी तक भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज योर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. ये भी उस टाइम पे आया और इंटरनेट के दौर पे ना काफी वेब ब्राउजर्स जो है वो काफी फेमस हुए वो काफी डेवलप हुए. फिर आया
मोबाइल का टाइम, मोबाइल में उन्होंने स्टार्ट किया लाइट वेट के ऊपर। लाइट वेट मतलब कि ठीक है, एक तो पीसी के ऊपर चल रहे हैं सॉफ्टवेयर, अब हमें चाहिए लाइट वेट प्लेटफॉर्म चाहिए जिनके ऊपर हम लाइट वेट सॉफ्टवेयर बना सके, ताकि मोबाइल जो है वो प्रॉपरली, मोबाइल्स के ऊपर वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली रन हो सके। फिर उसके बाद जो अभी टाइम 2010 के बाद आप कह सकते हो द टाइम इज ऑफ AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग, जहां पे वो खुद लर्न करने की कोशिश कर रहा है लाइक अ ह्यूमन बींग। तो देखो ये जो है इवोल्यूशन इस तरीके से चलता जा रहा है। अब इस इवोल्यूशन में वन ऑफ द बेस्ट थिंग क्या हुई है, दैट इज द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर नाउ फ्री। मतलब पहले वो प्रोप्राइटरी थे, कंपनी ने बनाए, उन्होंने अपने पास रखे, बट नाउ मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर फ्री, जिसपे लोग काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, सीख सकते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में जो है इवोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो इसके ऊपर आपको आपके एग्जाम्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इवन प्लेसमेंट में भी थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।